नमस्कार, बलिया लाइव के बुलेटिन होत फजीरे में आपका स्वागत है। कोहरे की संभावना को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 28 एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड ने देश भर में 62 एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त किया है। ये ट्रेनें देश भर के विभिन्न जोन से होकर जाने वाली हैं। इसके अलावा 48 एक्सप्रेस ट्रेनों का फेरा कम कर दिया गया है। रद्द ट्रेनों में 15,111 छपरा वाराणसी सिटी इंटरसिटी और 15,112 वाराणसी सिटी छपरा इंटरसिटी भी शामिल है। ददरी मेला में दूसरे दिन भी चरखी झूला नहीं चले। मनोरंजन महकमा और नगर पालिका की ओर से एनओसी नहीं मिलने के चलते ऐसा हुआ। महिलाएं मेले में पहुंची तो, मगर चरखी झूला बंद होने के चलते मायूस होकर बैरंग लौट गई। नगर पालिका के ईओ डीके विश्वकर्मा का कहना है कि चरखी झूला को अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, मनोरंजन विभाग और पुलिस की ओर से जांच के बाद चलाने की अनुमति दी जाती है। जबकि अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में घटित घटनाओं के मद्देनजर और दलदली जमीन को देखते हुए उनकी ओर से चरखी के संचालन पर रोक लगाई गई है। दलदली जमीन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा गया है। ददरी के मीना बाजार में दूसरे दिन भी लोगों की आवक कम रही, इसके चलते दुकानदार मायूस रहे। हालांकि इसकी वजह धान की कटाई पिटाई और रबी की बुआई भी हो सकती है। ददरी मेले के नंदीग्राम अर्थात पशु मेले और मीना बाजार के बीच शुक्रवार को होगी चेतक प्रतियोगिता। फिलहाल मैदान को फाइनल टच दिया जा रहा है। घुड़दौड़ खाली पड़े खेतों में होगी। खेतों को ट्रैक्टर से जोतकर पानी डालकर रोड रोलर को चलाया गया है ताकि दौड़ने में घोड़ों को दिक्कत ना हो। बुधवार को रानीगंज भांगण नाले पर 1,72,00,000 की लागत से बने पुल का औपचारिक लोकार्पण हुआ। इस मौके पर बैरिया विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने कहा कि बैरिया क्षेत्र की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी, पर्याप्त संख्या में नई सड़कें भी बनाई जाएंगी, साथ ही गंगा और घाघरा के कटान को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उधर गणवार के भवनौली ग्राम सभा के गोविंदपुर बिंद टोली मौजा में रैन बसेरा का लोकार्पण हुआ। सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना अंतर्गत बने इस रैन बसेरा का लोकार्पण राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने फीता काट कर किया। खपड़िया बाबा की 35वीं पुण्यतिथि 10 जनवरी 2020 को है। इस अवसर पर श्री महारुद्र यज्ञ की तैयारी है। इस सिलसिले में विचार विमर्श के लिए बुधवार को संकीर्तन नगर में स्वामी हरिहरानंद जी के सानिध्य में बैठक हुई। यूपी के ऊर्जा निगमों के कर्मियों के भविष्य निधि घोटाले के विरोध में बुधवार को हाइडल कॉलोनी में प्रदर्शन हुआ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। उजियार मैदान में 3 दिनी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच अदरी मऊ और बक्सर बिहार के बीच खेला गया। मऊ की टीम ने 4-1 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा कर लिया। शांति निकेतन समिति द्वारा स्वर्गीय कामाख्या राय की याद में यह आयोजन हुआ। उद्घाटन प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। नरही थाना क्षेत्र के बसंतपुर पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार धर्मेंद्र यादव को कमांडर जीप ने रौंद दिया। घायल धर्मेंद्र यादव को CHC नरही पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पलिया खास बड़का खेत निवासी रामदेव यादव के 45 वर्षीय बेटे धर्मेंद्र यादव की हादसे में मौत की खबर से लक्ष्मणपुर चट्टी पर मातम पसर गया। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।